शक्तिपीठ का यह पवित्र स्थल परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद युक्त यह स्थान और हमारे सभी उपस्थित भाइयों का सानिध्य, यह हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। मनीष भैया ने कहा कि मैं यहाँ आता हूँ और आप लोगों से जोरदार तालियां बजवा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं गेस्ट के तौर पे आया हुआ हूँ। तो गेस्ट आता है तो ताली बजाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हर रविवार को नहीं जाना चाहिए। और अगर शायद मनीष भैया हमें अलाउ कर दें आप सबके बीच में बैठने का, तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा हर रविवार को आने में। मैं इतना भी बिज़ी नहीं हूँ जितना कि मनीष भैया समझते हैं। समय बेसिकली बड़े बड़े जो वैज्ञानिक रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता रहे हैं, वो भी अपने लिए घंटे दो घंटे का समय निकालते हैं। बेसिकली हम सभी जो यहाँ एकत्रित होते हैं, इससे हम समाज के लिए कुछ करते नहीं हैं, करने का संकल्प लेते हैं, और मुख्यतः जो लाभ होता है वो हम सबको खुद का होता है। स्वयं के लिए लाभ के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारा जो 27 नवंबर का कार्यक्रम है उसके बारे में मुझे लगता है कि चर्चाएँ हो चुकी होंगी, आपको पता भी होगा। उसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो वो जो कार्यक्रम है वो एक संदेश है। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि भाषणबाजी होगी, लोग तालियां बटोरेंगे और चले जाएंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। वो संदेश है कि हम सब वस्तुतः क्या करना चाहते हैं समाज में, हमारे भाई क्यों एकत्रित हो रहे हैं, हमारा संगठन क्या है और हमारी शक्ति क्या है। ये संदेश देना है जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनको, कि देखो यहाँ सद्बुद्धि का, सद्विचार का भी संगठन हो सकता है, जो कि यह असंभव कार्य माना जाता था। राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो एक तरफ परम शक्तिशाली रावण और एक तरफ पूरे ब्रह्मांड के जो रचयिता है, पालन करता है, संहार करता है वो, तो इतने बड़े बड़े दो लोगों के बीच में युद्ध होने की बात थी, इन दोनों के बीच में विवाद था, फिर भी कहीं जामवंत आ जाते हैं, कहीं गिलहरी आ जाती है, कहीं छोटे छोटे बंदर आ जाते हैं, और उन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है और उनका कंट्रीब्यूशन ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। हम भी आज जानते हैं उनमें कई लोगों का नाम जानते हैं, रामायण में पढ़ते हैं कि वो लोग भी थे। अरे जो पूरे ब्रह्मांड का हेड है उसके लिए कोई पत्थर ला रहा है, कोई कंकड़ ला रहा है, उसकी क्या गणना, उसकी क्या गणना होनी चाहिए। एक छोटा सा आवाज नहीं आ रहा क्या, अच्छा, एक छोटा कोई काम करते हैं हम सब साथ में, उसमें सहयोग प्रदान करते हैं तो हमारी गणना नहीं होती है, लेकिन वहां प्रभु श्री राम और उनको सहयोग देने की बात है। ये कुछ समय के लिए हास्यपद लग सकती है कि भाई जो पूरे ब्रह्मांड का हेड है उसको भी जरूरत पड़ती है क्या मदद की, उसे भी एक गिलहरी की मदद की जरूरत पड़ती है, वहां पे वानर है, रीछ है, भालू है, नर किन्नर नारी सारे लोग हैं, और उन सारे लोगों के मदद की जरूरत पड़ती है क्या। पहली नजर में तो संदेह होगा कि भाई या तो ये भगवान नहीं थे, और अगर ये भगवान थे तो फिर इनको मदद की क्या जरूरत पड़ी थी। ये कंट्राडिक्टरी है एक, लेकिन मेरे भाई लोग, हम हिंदू माइथ्स में विश्वास करते हैं और ये हम सभी मानते हैं कि एक घटना जिसे घटित होना है वो घटित होगा। एक घटना जिसे घटित होना है, राम के द्वारा रावण का माना जाना, एक मारा जाना एक घटना थी और उसे घटित होना था, लेकिन उसमें एक ही चीज थी कि आपका योगदान क्या था, दैट इज अकाउंटेबल। गणना उसी की होगी कि भाई पत्थर राम सेतु तो बनना था, एक तीर में ही समुद्र थर थर कांपने लगा, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, विनती करने से नहीं हुआ तो एक धमकी से वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बताइए प्रभु पूरा समुद्र ही सुखा देते हैं, जैसे कहिएगा अपन तैयार हो जाते हैं।
वसुधा है, ये जो हमारा कार्यक्रम है 27 नवंबर का, ये एक इतिहास का एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर, जिसे अचीवमेंट कहते हैं। इस सब अचीवमेंट में हम सब ने कुछ नहीं किया, हमारा योगदान कितना रहा बस इसकी गणना होगी, उसी की गणना होगी। जो परिवर्तन आना है वो आएगा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है तो आना आएगा भाई, ये ब्रह्मत पाल लेना कि हमने लाया है। लेकिन आपका क्या अकाउंट होगा, उसका खाता खुलेगा कि आपके खाते में, आपने खाते में आपने कितना जमा कराया, उसकी काउंटिंग होगी, उसका ऑडिट भी होगा। बंधु ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, हम लोग कर क्या रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, वो कार्यक्रम तो होना था, हम नहीं होते कोई और होता, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो हमारा हिस्सेदारी, हमारी हिस्सेदारी कितनी हो उस हिस्सेदारी को बढ़ा के रखना है। एक संदेश जाए, और संदेश, सबसे पहला संदेश तो हमारी अंतरात्मा को जाएगा, भाई देखो समय बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, हम अपने को उस युग परिवर्तन के अनुकूल बनाए, नहीं तो अगर पुरानी विचारधारा में रहें, मनीष भैया कहते हैं हॉस्टल में एकदम 9 बजे उठ, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, दूर कहाँ जाता है तुम सुबह सुबह उठ के, उधर साइकिल चला के जाता है वहाँ मनीष, अरे वहाँ पे ऐसे कुछ पूजा पाठ वाला जग का बात होता होगा, बहुत टाइम है बुढ़ापे में ये सब सोचना, तो आपको देखना है महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को भी बहुत बड़ा संशय हो गया था, मति भ्रम हो गया था, हम सभी का, हम सबका भी मति भ्रम होता है कि ये ठीक है कि नहीं। अर्जुन ने कहा कि जिस आदमी ने हमें दीक्षा दी, जिस आदमी ने मुझे जीरो से उठा के हीरो बनाया, द्रोणाचार्य वो सामने खड़े हैं, ये मेरा भाई है, ये 100-100 भाई मेरे पड़े हैं, दुर्योधन है, ये सुयोधन है, ये फलाना है, ये ढकाना है, इन लोगों के साथ हम खेले हैं, इन लोगों ने हमें हर पल पल मदद की है, और आप श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करो इनको मार दो, ये तो आप गलत कह रहे हैं। भीष्म पितामह हैं, जिन्हें हमारे 6 पीढ़ी पहले जिन्हें कुलगुरु माना गया था, न इनके जात, इनके जन्म का पता है किसी को, न इनकी मृत्यु का पता है, ये अमर है, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और इन लोगों के विरुद्ध हमको कह रहे हैं आप लड़ने के लिए, एक तो हम जीतेंगे नहीं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अमर हैं, कई लोगों के पास ऐसी है कि हजारों हाथियों की शक्ति है, फलाने के पास ये शक्ति है, फलाने के पास वो शक्ति है, और आप कह रहे हैं लड़ने के लिए, एक तो हमारा मॉरल कंसर्न अलाउ नहीं कर रहा है कि एक गुरु जी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पूज्य पितामह हैं, और इन लोगों के विरुद्ध आप युद्ध करने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने उनको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उनका दिमाग स्टॉप कर दिया। ये हमारे योग विधा में ये चीज आती है कि जैसे ही हम बाहरी विचारों से मुक्त हो जाते हैं पूर्णतः, तो हम भविष्य दृष्टा हो जाते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भविष्य को दिखा दिया अर्जुन को कि देखो आज से 27वें दिन देखो ये क्या स्थिति है बन रही है, ये फलाने 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 ये लोग सब मर चुके हैं, और ये भीष्म पितामह जी जो बाण के सैया पे सोए हुए हैं, इनका भी कुछ प्रारब्ध था कि 6 महीने इनको बाण के सैया पे सोना है, इसलिए ये सोए हुए हैं। अब बाकी देख लो कि ये जो कुप्रवृत्ति है हस्तिनापुर में, पर स्त्री पर धन इस पे लालच करने वाले लोग हैं, जिन्हें अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, उस सिस्टम को तुम बदलोगे कि कोई और अर्जुन खड़ा हो जाएगा, देख लो। अगर इस अर्जुन को नहीं खड़ा होना है तो कोई और अर्जुन खड़ा हो जाएगा, श्री कृष्ण किसी और अर्जुन को खड़ा कर देगा, श्रेय तुम्हें लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, मरना है भाई इन लोगों को। हस्तिनापुर पे कौरवों का कब्जा समाप्त होने वाला है, आप देख लीजिए कि श्रेय आपको जाना चाहिए कि किसी और को जाना चाहिए, यही है पूरी घटना, आज भी परिदर्शित होती है, समाज को बदलना है, लेकिन आपने अपना क्या प्रयास किया। हम एक तुच्छ प्राणी हैं, वस्तुतः हम एक तुच्छ प्राणी हैं,
हम अपने पुत्र पत्नी को भी नहीं बदल सकते हैं तो पूरे विश्व को बदलने का कैसे बीड़ा उठा सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है कि हम पूरे विश्व को बदल दें। लेकिन अगेन वही चीज है कि हमारा प्रयास क्या रहा है, ये इसकी अकाउंटिंग होगी भाई। और उसी प्रयास के अनुकूल आपका भविष्य जो प्रारब्ध है वो लिखा जाएगा। आदरणीय मनीष भैया ने बाकी चीजें बताती होंगी, हमारे निशान जी ने बता दिया होगा कि इस कार्यक्रम में हमारा क्या योगदान हो सकता है। मैं चाहूंगा कि हमारा भी कुछ कुछ हमारे भी अकाउंट को मजबूत करें। निशान जी, हमारा अकाउंट अभी तक इस कार्यक्रम के लिए अभी तक शून्य है, तो मैं भी इस कार्यक्रम में अपना भरपूर योगदान देना चाहूँगा। मेरी जिम्मेवारी अभी तय नहीं की गई है और अभी की स्थिति ये है कि जब तक मेरे गला को पकड़ के, गर्दन को पकड़ के नहीं घुसाया जाएगा तब तक वो हमारा गर्दन जो है वो ऐसे ही इधर उधर मचलते रहेगा। तो आशा करते हैं कि निशान जी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी को निर्धारित करेंगे और हमारे जो इतने प्रिय भाई बैठे हुए हैं इन सब के योगदान को भी निर्धारित करेंगे, इन सब के योगदान को भी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।